Hello everyone. So how do you start your day? That's an important question. And I guess we all seek some answers and how should we start our day. So today the chapter which we are going to read, it is about how one should start his morning. In this chapter you are going to read some of the valuable lessons, and I guess all the successful people and the people who have great accomplishments, they know really how to start their days. In this chapter we'll read some of the important and valuable suggestions given by Robin Sharma, that how to start your day well, or start your day well, that's the name of the chapter. I personally got some wonderful ideas having read this chapter, so this is what I'm going to suggest everyone. Along with this, when you are reading, I want you to contemplate over the ideas which I'm going to share with you, means share with you in a sense like whatever I accumulate while reading or in the chapter. And those who are going to read it for English, to them I want to suggest that please do stop at every place. Whenever I'm telling you a word, you have to write those words in your copy. You must write, and then later you can search the other possible meanings of that word and try to imbibe those words in your conversation as much as possible. So with all these notes, I want to start this chapter without much delay, and let's begin. स्टार्ट योर डे वेल, अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करें. वेल का मतलब बढ़िया या अच्छा. द वे यू बिगिन योर डे डिटरमिन्स का मतलब होता है निर्धारित करना, किसी चीज़ को निर्धारित करना. या एक डिटरमिन का मतलब ये भी होता है कि इरादा करना. द वे यू विल लिव योर डे, तो इस सेंटेंस में आप देखिए दो बार द वे आया है और द वे आया है. जब एक ही सेंटेंस में द दो बार आए तो इसका मतलब क्या होता है. द वे मतलब जिस तरह से. सो द वे यू बिगिन योर डे डिटरमिन्स द वे यू विल लिव योर डे, कि जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह निर्धारित करता है कि आप पूरा का पूरा दिन उस दिन कैसे बिताएंगे. यू विल लिव योर डे. आई कॉल द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप प्लैटिनम 30. सो प्लैटिनम, आपको पता है प्लैटिनम एक तरह का एक मेटल होता है. जैसे सोना एक चीज़ है, तो सोने से जो ज़्यादा महंगी चीज़ होती है दैट इज़ प्लैटिनम. शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते भी हैं और ना जानते हों, तो प्लैटिनम की जैसे रिंग्स बनाई जाती हैं वो सोने से जनरली ज़्यादा महंगा होता है. सो आई कॉल द फर्स्ट 30 मिनट्स, राइटर कहता है कि आई कॉल द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप, मतलब उठना, कि जैसे ही आप जिस क्षण उठते हैं तो जो पहले 30 मिनट्स हैं उनको मैं प्लैटिनम 30 कहता हूँ. यानी उस 30 मिनट्स को जिस क्षण आप उठते हैं मैं उसको प्लैटिनम 30 कहता हूँ. सिंस का मतलब क्योंकि, यस, इस वर्ड का मतलब बहुत सारे इसके मतलब होते हैं. एक सिंस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम समय लगाने के लिए यूज़ करते हैं सिंस या फोर. लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू में सिंस वर्ड आए तो इसका मतलब होता है क्योंकि. सिंस क्योंकि, दे आर ट्रूली द मोस्ट वैल्यूबल मोमेंट्स ऑफ योर डे, क्योंकि वो जो पहले 30 मिनट्स होते हैं वो आपके दिन के सबसे वैल्यूबल मोमेंट्स होते हैं. वैल्यूबल मोमेंट्स का मतलब सबसे कीमती क्षण होते हैं. एंड हैव द प्रोफाउंड का मतलब महान, ग्रेट, महान. इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, ठीक है, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा प्रभाव. ऑन द क्वालिटी ऑफ एवरी मिनट दैट फॉलोज, दैट का मतलब होता है जो. वैसे दैट के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है जो. तो अब इस लाइन को यहाँ से देखते हैं. राइटर क्या कह रहा है कि जो पहले 30 मिनट्स हैं, सिंस दे आर ट्रूली मोस्ट वैल्यूबल मोमेंट्स ऑफ योर डे, क्योंकि वो आपके दिन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षण होते हैं. एंड हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ एवरी मिनट दैट फॉलोज, और उसके बाद जो भी मिनट्स फॉलो करते हैं या जो मिनट्स आते हैं उस 30 मिनट्स के बाद, जो भी मोमेंट्स आपके पूरे दिन में आते हैं उसके ऊपर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है उस 30 मिनट्स का. प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस से मतलब ये है कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है. सो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, आपने यहाँ पे एक वर्ड सीखा,
प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा प्रभाव। इफ़ यू हैव द विजडम, विजडम वर्ड हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, विजडम का मतलब समझदारी, बुद्धिमानी, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन भी हम वर्ड पहले कर चुके हैं, सेल्फ का मतलब स्वयं, डिसिप्लिन का मतलब आपको पता ही है अनुशासन। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना। ड्यूरिंग का मतलब होता है इस दौरान, इस समय के दौरान या इसके दौरान। की का एक मतलब होता है चाबी, और की का दूसरा मतलब होता है मेन, मुख्य। ये मैं मीनिंग्स आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आप इन मीनिंग्स को लिखने के बाद आप सेंटेंसेस को अच्छे से समझ पाएँ। सो की का मतलब मुख्य। यू थिंक द प्योरेस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। प्योर का मतलब शुद्ध, प्योरेस्ट का मतलब सबसे शुद्ध है। अब लाइन को ऊपर से देखते हैं। राइटर कहता है उस 30 मिनट से रिलेशन में, इफ़ यू हैव द विजडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन टू इंश्योर, अगर आप में समझदारी है और इस बात का डिसिप्लिन है और आप ये बात सुनिश्चित कर लें, क्या मतलब उस 30 मिनट के लिए आपको, आपके पास अगर समझदारी है और सेल्फ डिसिप्लिन है और आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि ड्यूरिंग दिस की पीरियड, ये जो एक महत्वपूर्ण, की का मतलब मुख्य, महत्वपूर्ण, ये जो महत्वपूर्ण 30 मिनट का जो पीरियड्स है, ठीक है, जो पीरियड है, यू ओनली थिंक द प्योरेस्ट ऑफ थॉट्स, आप उस समय सिर्फ जो सबसे शुद्ध थॉट्स हैं वो सोचें। जैसे क्या होता है कि कई लोग मॉर्निंग में जब उठते हैं तो मॉर्निंग में उठते ही उनके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं। शायद उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी हो सकता है कि जब, अगर हम मान लीजिए 2400 घंटे नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, तो जब हम रात को सोते हैं तो हमारा दिमाग एक कैसेट की तरह होता है, टेप रिकॉर्डर का जो कैसेट होता है, वो जहाँ पे रुका हुआ है तो जब आपने उसको प्ले किया वो वहीं से ही शुरू होगा। तो रात को अगर वो एक नेगेटिव थॉट पे रुका था तो मॉर्निंग में तो नेगेटिव थॉट से ही शुरू होगा। और फिर जो हम 24 आवर्स जो चीज़ें सोचते हैं तो फिर ऑब्वियस है सुबह वही थॉट आएंगे। लेकिन राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप में इस बात की समझदारी है और डिसिप्लिन है तो आप ये सुनिश्चित करें कि इस मुख्य समय में, इस इम्पॉर्टेंट पीरियड में, आप सिर्फ प्योरेस्ट थॉट्स सोचें, एंड टेक ओनली द फाइनेस्ट ऑफ एक्शंस, और उस 30 मिनट में जो सबसे बेहतरीन एक्शंस का मतलब कर्म या काम, उस समय सुबह उठ के जो 30 मिनट्स का जो टाइम है उसमें सबसे बढ़िया कोई काम करें, ठीक है। यू विल नोटिस का मतलब ध्यान देना, यू विल नोटिस दैट योर डेज विल कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, कंसिस्टेंटली लगातार। अनफोल्ड का मतलब खुलना, अनफोल्ड खुलना, इन द मोस्ट मार्वलस वेज, मार्वलस का मतलब भव्य, बढ़िया, और वेस का मतलब तरीका। तो पता है राइटर कह रहा है कि अगर वो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपने प्योरेस्ट थॉट सोचे और फाइनेस्ट एक्शंस किए तो आप नोटिस करेंगे दैट योर डेज विल, आपके जो दिन हैं वो लगातार, कंसिस्टेंटली लगातार खुलते जाएंगे, यानी बनते जाएंगे मार्वलस तरीके से, मार्वलस वेस में आपके दिन खुलेंगे। ये फिगरेटिव लैंग्वेज में हम कह रहे हैं क्या, फिगरेटिव का मतलब होता है अलंकार। हम अलंकारिक भाषा में इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारा दिन है वो इस तरह से खुलेगा जैसे कि हम कोई मार्वलस, जबरदस्त, कोई बहुत ही बढ़िया चीज़ हम कर रहे हैं। राइटर आगे क्या कहता है, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, इसके लिए हम रिसेंटली वर्ड यूज़ करते हैं। रिसेंटली आई टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म, तो टेक का एक कई मतलब होते हैं, इसमें से एक मतलब है ले के जाना, ले जाने के लिए हम टेक वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि मैं आपको मार्केट लेके जाऊंगा, आई विल टेक यू टू मार्केट। तो राइटर क्या कहता है, रिसेंटली आई टुक माई 2 यंग चिल्ड्रेन, यंग का मतलब छोटा। जनरली लोग सोचते हैं यंग का मतलब जवान, लेकिन एक यंग छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो छोटे बच्चों के लिए यंग वर्ड, और नॉर्मल यंग का मतलब एक जवान होता है, जैसे ओल्ड बूढ़ा, यंग जवान, लेकिन यंग बेबीज या छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 12-10 साल से नीचे के हैं, इनके लिए भी हम यंग वर्ड यूज़ करते हैं। दोबारा से लाइन देखते हैं फिर यहाँ से, रिसेंटली आई टुक माई 2 यंग चिल्ड्रेन टू सी द थ्रिलिंग IMAX मूवी एवरेस्ट। पहले थ्रिलिंग वर्ड समझते हैं, थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक,
रोमांचक, है ना, जो चीज़ आपको एक्साइट करती है। आप में से कई लोग आईमैक्स मूवीज़ देखने कभी गए हों। आईमैक्स एक स्पेशल किस्म का थिएटर होता है जिसके अंदर जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट की जाती हैं। तो जैसे अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उनको वेरी क्विकली ये बता दूं कि आईमैक्स थिएटर में क्या होता है कि जो चेयर्स हैं वो हिलती हैं। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो स्पेशल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए वहाँ पे चेयर्स हिलती हैं, वहाँ का साउंड सिस्टम अलग होता है, वहाँ पे मतलब कई बार तो इनफैक्ट पानी की बारिश भी हल्की सी कराते हैं वो लोग महसूस कराने के लिए। तो इनको आईमैक्स मूवीज़ कहते हैं, वो एक स्पेशल किस्म की मूवीज़ होती हैं। तो राइटर कह रहा है कि रिसेंटली आई टुक माई टू यंग चिल्ड्रेन टू सी द थ्रिलिंग आईमैक्स मूवी एवरेस्ट। मूवी का नाम था एवरेस्ट। असाइड का मतलब इसके अलावा, असाइड का मतलब इसके अलावा, इसके असाइड फ्रॉम मतलब इसके अलावा, असाइड फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग इमेजिनरी। ब्रेथ टेकिंग का मतलब दिल जिसमें बिल्कुल बैठ जाए, ब्रेथ का मतलब सांस एंड ब्रेथ टेकिंग का मतलब सांस रुक जाए। जब आप जैसे मान लीजिए अगर कोई ज़बरदस्त फिल्म देख रहे हैं या कोई आप बहुत थ्रिलिंग चीज़ देख रहे हैं तो सांस आपकी चढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही। सो ब्रेथ टेकिंग इमेजिनरी मतलब जो एवरेस्ट मूवी की जो इमेजिन वहाँ पे जो काल्पनिक चीज़ें थी वो ऐसी थी कि ब्रेथ टेकिंग एंड पावरफुल एक्ट ऑफ हीरोइज़्म। हीरोइज़्म का मतलब होता है हीरोइज़्म, हीरो से आया वर्ड है, साहसिक कार्य। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रित करना। पोर्ट्रेट का मतलब वैसे होता है चित्र, और इसको जब हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है चित्रित करना। तो राइटर कह रहा है कि एक तो फिल्म आईमैक्स को तो मैंने आपको बताया कि वैसे ही अपने आप में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। सो वो कहता है असाइड फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग इमेजिनरी एंड पावरफुल एक्ट्स ऑफ हीरोइज्म पोर्ट्रेड, कि इस फिल्म में तो ये चीज़ थी क्या, ब्रेथ टेकिंग इमेजिनरी, ब्रेथ टेकिंग जो चीज़ें उसमें सीन्स थे वो, और उसमें कई सारे एक्ट्स ऐसे काम दिखाए गए थे जो हीरोइज़्म यानी कि हीरो वाली चीज़ों को जो दिखाते थे वो उसमें दिखाई गई थी फिल्म में। देयर वॉज वन पॉइंट दैट स्टेड विद मी, स्टेड का मतलब ठहरना। उस फिल्म में लेकिन एक ऐसी चीज़ भी कुछ थी जो मेरे साथ रह गई। तो जैसे उसने फिल्म देखा, फिल्म देखने के बाद उसे बहुत सारी चीज़ें याद रह गई होंगी, लेकिन उसमें से एक चीज़ उसके साथ, वो कह रहा है कि एक और पॉइंट था जो मेरे साथ रह गया। क्या था वो देखते हैं। इन ऑर्डर, देखिए एक इंग्लिश में एक वर्ड है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, अभी टू वर्ड आगे आएगा, ये यहाँ पे एक्चुअली में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन थोड़ी अलग की गई है, लेकिन ये तीन वर्ड एक साथ होते हैं इन ऑर्डर टू। इसका मतलब होता है के लिए, के लिए, फॉर की जगह यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स, माउंटेन का मतलब आपको पता ही है, माउंटेन हम पर्वतों के लिए यूज़ करते हैं, क्लाइंबर्स का मतलब जो पहाड़ चढ़ने वाले लोग होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। स्केल का मतलब होता है नापना, स्केल आपको पता है, और समिट का मतलब होता है चोटी, पहाड़ की जो चोटी है। तो इस लाइन को एक बार इंग्लिश में इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइटर कहता है कि एक बात जो मेरे साथ रह गई दो चीज़ों के अलावा, क्या, एक ब्रेथ टेकिंग इमेजिनरी और हीरोइज्म के अलावा एक चीज़ जो मेरे साथ मेरे दिमाग में रह गई वो ये थी, इन ऑर्डर फॉर द माउंटेन क्लाइंबर्स टू स्केल द माउंटेन इट वॉज असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, असेंशियल ज़रूरी। इट वॉज असेंशियल फॉर देम टू हैव अ गुड बेस कैंप। बेस आपको पता है आधार, ठीक है, बेस कैंप का एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद अगर आप उस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली बेस कैंप हम यूज़ करते हैं जो माउंटेनर्स होते हैं जब वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो ऊपर चढ़ते समय, माउंटेन्स पे चढ़ते समय, समिट पे चढ़ते समय उनको सपोर्ट के लिए जो जगह वो निर्धारित करते हैं कि भाई इन इन जगहों पे रुकेंगे, उसको बोलते हैं बेस कैंप, जहाँ से वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो अब इस लाइन को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। राइटर कह रहा है कि मेरे दिमाग में एक बात ये रह गई कि जो माउंटेनर्स होते हैं जब वो किसी चोटी को नापने के लिए जाते हैं, इट वॉज असेंशियल फॉर देम टू हैव गुड बेस कैंप। उनका जो बेस कैंप है जहाँ से मतलब उनको शुरुआत करनी है अपनी जर्नी की, वो अच्छा होना चाहिए। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू
गेट का मतलब पहुंचना, गेट के बहुत सारे मतलब होते हैं, गेट के ऑलमोस्ट 25 मीनिंग्स हैं अलग अलग सेंस में। तो जैसे गेट का मतलब होना, आप किसी को बोलते हैं ना कि ओ यू आर गेटिंग फैट, तो मोटे हो रहे हो, ओ यू आर गेटिंग स्लिम, स्लिम पतले हो रहे हो। गेट का एक मतलब अंडरस्टैंड, जैसे आप बोलते हैं सॉरी आई डिड नॉट गेट यू, तो ऐसे ही गेट के 25 मीनिंग है, उनमें से एक मीनिंग ये है पहुंचना, रीच के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब है रीच, पहुंचना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू रीच, मीन्स टू गेट ऑन द टॉप विदाउट द कैंप एट द बॉटम का मतलब नीचे, एट द बॉटम दैट ऑफर्ड देम सेंचुरी। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो अभी आगे भी आएगा। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा बर्ड सेंचुरी, जो संरक्षित जगह होते हैं, संरक्षित जो प्रिजर्व होते हैं, जो बचा के रखे जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो जैसे बर्ड सेंचुरी होता है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, तो सेंचुरी वर्ड एक ऐसे भी यूज़ किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो जगह बचा के रखा हो। तो इस लाइन को दोबारा से देखते हैं, राइटर क्या कहता है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट टू द टॉप विदाउट द कैंप एट द बॉटम दैट ऑफर देम सेंचुरी, कि उनके लिए ये इम्पॉसिबल है टॉप पे पहुंचना अगर उनके पास एक अच्छा बेस कैंप नहीं है सेंचुरी वाला। क्या? फॉर द रेस्ट, सेंचुरी फॉर रेस्ट। सेंचुरी मैंने बताया रिजर्व, यानी कि अगर वो जगह उनके लिए रिजर्व नहीं है जहाँ पे वो प्रॉपर रेस्ट कर सकें, तो उनके लिए टॉप पर पहुंचना मुश्किल है। तो सेंचुरी वर्ड अभी ये आगे किसी चैप्टर में आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूं, सेंचुरी एक्चुअली में जैसे मान लीजिए आपने एक कमरा अपने घर में बना रखा है जहाँ पे आप जाके खाली पढ़ते ही हैं, तो वो आपका रीडिंग सेंचुरी हो गया। अगर आपने कोई जगह अपने घर में ऐसी बना रखी है जहाँ सिर्फ जाके मेडिटेशन करते हैं, वो आपका मेडिटेशन सेंचुरी हो गया। तो राइटर कहता है कि अगर उनके पास रेस्ट के लिए रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब तरोताज़ा होना या दोबारा से रिन्यू करना, नया करना, और रिप्लेनिशिंग का मतलब भी होता है तरोताज़ा करना। तो अगर उनके पास कोई ऐसा बेस कैंप नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को तरोताज़ा कर सकें, दोबारा से अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिवाइव कर सकें, भर सकें, तो उनके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो माउंटेन के ऊपर जा सकें। वंस दे रीच्ड कैंप टू, एक बार जब वो कैंप नंबर टू पे पहुंचते हैं, देन दे रिटर्न टू द बेस फॉर अ फ्यू वीक्स टू रिचार्ज देयर बैटरीज। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, रिचार्ज देयर बैटरीज। तो जैसे हमारा फ़ोन जब मान लीजिए हम लगातार यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी हमें रिचार्ज करनी होती है ताकि वो फ़ोन दोबारा से चल सके। तो ऐसे ही ये जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंबिंग करते हैं, ये एक बार जब अपने आगे पहुंच जाते हैं तो उनको फिर दूसरे बेस कैंप, और एक्चुअली में बेस कैंप से मतलब ये नहीं है कि उनको खुद ही बनाना होता है कि बेस कैंप, वो अपना वहाँ पे पंडाल वगैरह डालते हैं, खाना वाना अपना वहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइटर कह रहा है बेस कैंप का होना बहुत ज़रूरी है, अगर बेस कैंप अच्छा नहीं है तो वो ऊपर नहीं जा सकते। आई होप ये बेस कैंप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ऑन रीचिंग कैंप थ्री, जब वो तीसरे नंबर के कैंप पे पहुंचते हैं, दे हेस्टली, हेस्टली का मतलब जल्दबाजी या तेज़ी से, जो कोई चीज़ हम तेज़ी से करते हैं इसके लिए हेस्टली। रिट्रीट का मतलब होता है वापस आना, रिट्रीट पीछे आना, ठीक है। रिट्रीट टू बेस कैंप टू प्रिपेयर फॉर द ट्रैक, ट्रैक का मतलब रास्ता, टू कैंप फोर, तो कैंप का मतलब जो उनका रुकने का जो स्थान है। तो जब वो तीन पे पहुंचते हैं तो बहुत जल्दी से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, पहले बहुत जल्दी से वो क्या करते हैं कि अपने बेस कैंप को पहुंचते हैं, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने वाली जगह, रिन्यू करने वाली जगह, जो रिप्लेनिशिंग करने वाली जगह है उसको तैयार करते हैं, यानी कि रेस्ट करते हैं ताकि वो फिर अगले ट्रैक के लिए तैयार हो सकें फोर नंबर पे। एंड ऑन रीचिंग कैंप फोर, और जब वो कैंप फोर पे पहुंचते हैं, दे अगेन वेंट बैक डाउन टू माउंटेन टू बेस कैंप बिफोर मेकिंग देयर फाइनल पुश टू समिट।
और फिर इससे पहले कि वो फाइनल अपना जो लास्ट का मतलब उनको जहाँ माउंटेन पे पहुँचना है वहाँ पहुँचने से पहले वो अपने लास्ट वाली चीज़ पे पहुँचते हैं। तो अगर आपने कभी कोई फिल्म देखी है माउंटेनर्स की जो क्लाइंबिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले वो एक लेवल तक चढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद वो रुकते हैं, वहाँ रेस्ट करते हैं, फिर चढ़ते हैं, तो उसको हम बेस कैंप कह रहे हैं। अब ये जो उसने राइटर ने फिल्म से बात कही, उसने कहा कि आईमैक्स फिल्म जब वो देखने गया तो उसने फिल्म में जो चीज़ें देखी वो तो देखी, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया बेस कैंप की इम्पोर्टेंस का। ठीक है, अब वो बेस कैंप को कैसे अपने प्लैटिनम 30 के साथ जोड़ रहा है ये देखिए। इन द सेम वे, उसी तरीके से, आई थिंक दैट एवरी वन ऑफ अस इन ऑर्डर टू रीच आर पर्सनल समिट एंड मास्टर द डेली चैलेंजेस ऑफ आर लाइफ और वट एवर, राइटर कह रहा है कि इन द सेम तरीके से मैं भी ये सोचता हूँ, इन ऑर्डर टू, मैंने ये वर्ड आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू रीच आर पर्सनल समिट्स, जो हमने अपने पर्सनल लाइफ में अचीवमेंट्स बना रखी हैं, जो चोटियाँ हमने बना रखी हैं कि भाई हमें यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचने के लिए, और मास्टर का मतलब होता है किसी चीज़ पे महारत हासिल करना, किसी चीज़ के ऊपर अपने आप को मास्टर बनाना, और चैलेंजेस का मतलब परेशानियाँ। तो जो हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको उनके ऊपर मास्टरी करने के लिए ये ज़रूरी है, जो हमारी लाइफ की है, वी नीड टू रीविजिट आर बेस कैंप्स ड्यूरिंग द प्लैटिनम 30। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी जो हमारा प्लैटिनम 30, फिर वही वाली बात आ गई कि जो हमारा प्लैटिनम 30 जो सुबह उठते ही पहला 30 मिनट्स है, हम उसको विज़िट करें। मतलब वो हमारे दिन की शुरुआत है, वो एक टाइम ऐसा होता है कि फर्स्ट 30 मिनट्स हमें, उसको राइटर ने बताया, प्योरेस्ट थॉट सोचने की ज़रूरत है और बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्शंस करने की ज़रूरत है। सो आगे वो क्या कहता है, वी नीड टू गो टू अ प्लेस वेयर वी कैन कनेक्ट टू आर लाइफ मिशन। हमें वी नीड टू गो टू, नीड का मतलब ज़रूरत, वी नीड टू गो टू अ प्लेस, वेयर का मतलब जहाँ, हमें उस जगह जाने की ज़रूरत है जहाँ वी कैन गेट कनेक्टेड और वी कैन कनेक्ट टू आर लाइफ्स मिशन, जहाँ हम अपने लाइफ के मिशन से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। रिन्यू का मतलब दोबारा से नया करना, तो रिन्यू आर सेल्फ्स, और हम अपने आप को, स्वयं को नया कर सकें, यानी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकें। एंड रीफोकस, पुनः फोकस करना, पुनः अपने ध्यान को केंद्रित करना ऑन द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, और दोबारा से हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों पे फोकस कर सकें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा लाइफ में मैटर करती हैं। आगे वो क्या कहता है, इन माई ओन लाइफ आई हैव डिवेलप्ड अ वेरी इफेक्टिव मॉर्निंग रिचुअल्स का मतलब होता है, वैसे हिंदी में इसका मतलब होता है जो हम कर्म कांड, जो पूजा के लिए हम करते हैं ना, उसको रिलीजियस रिचुअल्स बोलते हैं, या रिचुअल्स का मतलब होता है जो धार्मिक कार्य हम करते हैं उसको रिचुअल्स बोलते हैं। लेकिन रिचुअल का मतलब रूटीन के सेंस में भी ले लीजिए आप, यहाँ पे रूटीन है, दैट का मतलब जो, ठीक है, मैं ये पहले बता चुका हूँ, कंसिस्टेंटली भी बता चुका हूँ, कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, गेट माई डे ऑफ टू अ जॉयफुल का मतलब खुशी वाला, एंड पीस फील्ड स्टार्ट, इस लाइन को अब ऊपर से देखते हैं। इन माई ओन लाइफ, राइटर कहता है मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, आई हैव डिवेलप्ड अ वेरी इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, मैंने एक बहुत ही प्रभावी किस्म का मॉर्निंग रूटीन बना रखा है, दैट कंसिस्टेंटली, जो लगातार मेरे दिन की शुरुआत करता है। ऑफ का मतलब यहाँ पे है स्टार्ट, याद रखिएगा, ऑफ का मतलब है स्टार्ट, गेट ऑफ यहाँ पे इसका मतलब है स्टार्ट करना, जो मेरे दिन की शुरुआत करता है कैसे, जॉयफुल तरीके से और पीसफुल तरीके से। ठीक है, तो मेरे दिन में भरा रहता है, फील्ड का मतलब भरा रहना, मेरा दिल, जो मेरा दिन है पूरा का पूरा, वो भरा रहता है जॉय से और पीस से। वो कैसे होता है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक स्पेशल इफ़ेक्टिव तरीके की एक रिचुअल्स
डेवलप की है। डेवलप का मतलब आपको पता ही है, विकसित करना। तो वो क्या कहता है, आफ्टर वॉकिंग आई हेड डाउन। हेड डाउन का मतलब आगे की ओर बढ़ना या सीधा किसी डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो डायरेक्शन में जाने के लिए हम हेड डाउन वर्ड यूज़ करते हैं। सो आफ्टर वॉकिंग आई हेड डाउन टू माई पर्सनल सेंचुरी। सेंचुरी वर्ड आ गया, मैंने आपको बताया सेंचुरी वो जगह जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सुरक्षित हो। तो राइटर कहता है आफ्टर वॉकिंग आई हेड डाउन टू माई पर्सनल सेंचुरी अ लिटिल प्लेस आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। एक छोटी सी जगह जो मैंने अपने लिए बनाई है, वेयर आई कैन प्रैक्टिस माई रिन्यूअल एक्टिविटीज़, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्या रिन्यूअल एक्टिविटीज़, अपने आप को तरोताज़ा करने की एक्टिविटी विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्बेंस के। मतलब मैं उस कमरे में चला जाता हूँ या उस जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैं वो सारे चीज़ें करता हूँ, वो प्रैक्टिसेस करता हूँ कि मैं बिना डिस्टर्ब हुए अपने आप को रिन्यू कर सकूँ। रिन्यू का मतलब तरोताज़ा। देन आई स्पेंड अबाउट का मतलब लगभग। एक अबाउट का मतलब होता है बारे में और एक अबाउट का मतलब होता है लगभग, तो लगभग के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। देन आई देन स्पेंड अबाउट 15 मिनट्स इन साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, चिंतन करना, सोचना। जो चिंतन करते हैं, चिंता नहीं, ये चिंता का वर्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट वरी, ठीक है, ये कॉन्टेम्पलेशन है। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब सोचना, गहराई से सोचना। तो वो कहता है मैं 15 मिनट बिताता हूँ साइलेंट, शांत कॉन्टेम्पलेशन में, फोकसिंग ऑन ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। वो सारी चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में अच्छी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम अपने मॉर्निंग की शुरुआत अगर ऐसे कर सकें कि हम 15 मिनट तक उन सारी चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे जीवन में अच्छी है, एंड इन विजनिंग यानी कि विजन करना, सोचना, ठीक है, अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने का ये दूसरा वर्ड है कि इन विजनिंग द डे, और पूरे दिन को दिमाग में सोचना दैट आई एक्सपेक्ट इज अबाउट टू अनफोल्ड। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला, और फिर मैं पूरे दिन, मेरा दिन कैसा होगा, मैं इसको अपने दिमाग में इमेजिन करता हूँ। तो ये एक बहुत साइंटिफिक तरीका है और इसके ऊपर तो बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। जैसे आप लोग अगर जो हेल्प सेल्फ हेल्प की बुक अगर पढ़ते हैं तो वो इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सुबह उठ के जब हम अपने डेली रूटीन्स हम ख़त्म कर चुके हैं तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हम अपने एक जगह पे शांत बैठ जाएं और हम पहले 10 मिनट हम उन चीज़ों के बारे में सोचें जो हमारी लाइफ में अच्छी हैं। तो इससे क्या होगा, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर एक बार जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव मूड में आ गई तो उसके बाद फिर हम अपने दिन को इमेजिन करना शुरू करें कि हमारा ये पूरा दिन आज कैसा होना चाहिए, तो हम उसको एंटिसिपेट करें। एंटिसिपेट का मतलब हम उसका पहले पूर्व अनुमान लगाएं, आज ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कहता है राइटर कि पहले तो वो ये काम करता है, देन आई पिक अप अ बुक फ्रॉम माय विजडम। विजडम बुद्धिमानी, सो विजडम लिटरेचर, ठीक है। तो जो सेल्फ हेल्प बुक होती हैं, जो पॉजिटिविटी के ऊपर बुक होती हैं, उनको विजडम लिटरेचर भी कहते हैं। तो राइटर कहता है कि जब मैं 15 मिनट ये काम कर लेता हूँ फिर मैं एक अच्छी सी किताब उठाता हूँ। कौन सी किताब, वन रिच विद टाइमलेस ट्रूथ ऑफ सक्सेसफुल लिविंग, और एक ऐसी किताब जो भरी हुई होती है किस चीज़ से, टाइमलेस। टाइमलेस का मतलब होता है जो किसी समय के साथ नहीं बदलती, जो अब से 100 साल पहले भी वही था आज भी वही है। टाइमलेस ट्रुथ, एक ऐसा सत्य जो अनंत है। मैं उन किताबों को उठाता हूँ जो अनंत सत्यों से भरी हुई हो, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हों सक्सेसफुल लिविंग के, दैट आर सो ईजी टू फॉरगेट इन द फास्ट पेस्ट का मतलब गति, पेस्ट गति, ठीक है, भागम भागी टाइम्स वी लिव इन। मतलब हम एक ऐसे समय में रहते हैं कि जहाँ ज़िंदगी बड़ी फास्ट है, टाइम बहुत पेस्ट है,
ठीक है। तो ऐसे में बहुत इजी है कि हम भूल जाएं ये डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सुबह उठ के पहले 15 मिनट मेडिटेशन, उस मेडिटेशन में सोचना क्या है, पॉजिटिव थॉट्स सोचने, पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमें क्या करना है, फिर अपने दिन को इमेजिनेशन करना है, और लास्ट हमें फटाफट एक अच्छी सी एक बुक उठानी है जिस बुक में टाइमलेस ट्रुथ ऑफ सक्सेसफुल लिविंग के बारे में हो, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए जो उसमें तरीके बताए हों हम उनको पढ़ें। क्यों? क्योंकि राइटर कहता है ये चीज़ें हम जनरली अपने इस फास्ट ज़िंदगी में भूल जाते हैं। तो वो कौन कौन से राइटर्स पढ़ता है वो कुछ बता रहा है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स, वो कुछ उसने किताबों के नाम बताए हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड मेडिटेशन बाय रोमन फिलोसोफर मार्कस एक्यूलियस, ठीक है, ये कोई रोमन फिलोसोफर हैं, इवन आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम, तो उनके बारे में उसने कहा कि मैंने इनके मेडिटेशन की किताबें पढ़ी हैं। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट वन इज़ द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो स्वयं अपनी जीवनी किसी ने लिखी हो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी और ये है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं के द्वारा लिखी हुई। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, कि मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ। एंड वाल्डेन बाय हेनरी डेविड थियोसिस, और फिर मैं थ्योरियो, और फिर इनके ये सारे ऑथर्स हैं वो कह रहा है कि मैं इन सब की किताबें पढ़ता हूँ। प्रॉब्ली जो इनके चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे चैप्टर्स वो बहुत ही रिच होंगे थॉट्स में, आइडियाज़ में। आगे वो क्या कहता है, द लेसन इन दीज वर्क्स, वर्क्स का यहाँ पे मतलब है किताबें। एक तरीका होता है लिटरेचर में हम किसी के ना लिटरेरी वर्क को, लिटरेरी किताबों को वर्क भी कहते हैं। सो द लेसन्स, जो सबक, द लेसन्स इन दीज वर्क्स सेंटर मी, मतलब मेरे ध्यान को फोकस करती हैं ऑन द थिंग्स दैट ट्रूली काउंट। काउंट का मतलब होता है मैटर। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद या इन चीज़ों को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग जो है वो सेंटर हो जाता है उन चीज़ों के ऊपर जो एग्जैक्टली लाइफ में मैटर करती हैं। एंड हेल्प लॉन्च माई डे, लॉन्च का मतलब शुरू करना, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बिल्कुल वैसा ही। एंड हेल्प लॉन्च माई डे ऑन राइट फुटिंग, फुटिंग का मतलब तरीका, जैसे फुट होता है पैर, और फिर मेरे ये कहने का एक तरीका है कि लिटरेचर में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, और फिर मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो राइट फुट से होती है। राइट फुट का मतलब सही तरीके से मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने दिन को प्लान कर रहा है, और जो फर्स्ट 30 मिनट्स उसने बताए प्लैटिनम 30 में ये सारे काम करने हैं। एंड द विजडम आई रीड ड्यूरिंग, एंड द विजडम आई रीड ड्यूरिंग द प्रीशियस अर्ली मॉर्निंग, इन्फ्यूज़ का मतलब होता है भरना, ठीक है, इन्फ्यूज़ भर देना। राइटर कहता है कि जो वो बुद्धिमानी की चीज़ें, विजडम की चीज़ें जो मैं इस प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब कीमती, ये जो पहले 30 मिनट्स में जो मैं ये प्रीशियस चीज़ें, विजडम वाली जो चीज़ें पढ़ता हूँ वो भर देती है मेरे अंदर, क्या मतलब वो मेरे अंदर वो एनर्जी भरती हैं। एनलाइटन्स का मतलब होता है, ठीक है, एनलाइटन्स जागरूक करना एवरी रिमेनिंग मिनट ऑफ माई डे। फिर वो 30 मिनट्स जो मैंने मॉर्निंग में अच्छी किताबें पढ़ी ना वो मुझे अवेयर बनाती है। एनलाइटन का मतलब अवेयर बनाती है पूरे दिन के एक एक मिनट के लिए। मतलब फिर क्या होता है कि मैं पूरे दिन के लिए, मेरा जो दिन है उसके लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। सो स्टार्ट योर डे वेल, राइटर कहता है, तो अपने दिन की शुरुआत अच्छी कीजिए, यू विल नेवर बी द सेम, फिर आप दोबारा सेम नहीं होंगे। जैसे कई लोग उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट 30 मिनट की आप शुरुआत कीजिए, देन योर होल लाइफ विल बी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव गॉट सो मेनी वर्ड मीनिंग्स आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। You must be filled with new energy and your ideas and thoughts must be rejuvenated and you would have some clear picture about how to start your day. So whatever the important things we have learned in this day, I want you to focus on it, please. Use it in your day, because what is the point of studying something if we don't implement it? I guess the important thing of study is if we have read something interesting, if we have learnt a knowledgeable thing, then we must put it to practice.
So whatever in today's chapter you guys have learnt it, please implement it, as I am going to also implement. And before I wrap up this video, I want to just ask everyone, please do leave your comment in comment section, because that encourages me to make more videos. And if you have any specific need or suggestions, that also you can drop there, and I will be certainly happy to see it. So thank you so much, take care, and please don't leave this channel before liking and subscribe. Thank you so much, take care, bye bye. Anything about that Sunday thing also which we did, what's your opinion about it? First I want to know. I have a slightly different opinion. The person who impressed me very much with talk is Sunil. And please do share this information with someone who is in need. Maybe someone is looking for this kind of online class. If it is possible, please share this information with them. Thank you so much.